नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल साधना शक्ति में हार्दिक स्वागत है। इस चैनल में हम आपको ऐसे अचूक उपाय और टोटके बताते हैं जो हमारी गुरु माँ कृष्णमूर्ति जी के द्वारा सिद्ध किए जाते हैं और फिर आप तक पहुंचाए जाते हैं। आज हम आपको एक ऐसा सरल उपाय बताने जा रहे हैं जिसे करने से आप बहुत ही आसानी से अपने घर वालों को शादी के लिए मना सकते हैं। आज के समय में हर कोई किसी न किसी से प्यार करता है और उसको ही अपना सब कुछ मानने लगता है, चाहे वो लड़का हो या लड़की, दोनों को बस एक दूसरे के अलावा कोई भी दिखाई नहीं देता। उन दोनों का प्यार इस कदर परवान चढ़ता है कि वे दुनिया वालों की परवाह नहीं करते हैं कि कौन क्या कहेगा। फिर दोनों को एक दूसरे पर इतना विश्वास हो जाता है कि वे शादी करने की सोचने लगते हैं। परंतु कहते हैं ना कि कोई ना कोई काम शुरू करोगे तो कोई ना कोई परेशानी आएगी या फिर लोगों की नजर लग जाएगी। जैसे जैसे बात आगे बढ़ती है वैसे वैसे उनको डर लगने लगता है कि घर वाले शादी के लिए कैसे राजी होंगे। अगर आप भी उन लोगों में से एक हैं जिनके घर वाले शादी के लिए मना कर रहे हैं, तब अब आपको घर वालों की मर्जी से शादी करनी है, परंतु आपको कोई और रास्ता भी दिखाई नहीं देता जिससे आप शादी के लिए अपने घर वालों को मना लो, तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जो तांत्रिक तरीका हम आपको बताने जा रहे हैं उसको करने के बाद आपके घर वाले शादी के लिए तुरंत राजी हो जाएंगे। बस आपको हमारे द्वारा बताया गया यह टोटका पूरी विधि अनुसार करना होगा। तो चलिए जानते हैं दोस्तों आपको यह टोटका करना कैसे है। सर्वप्रथम एक लाल रंग का कपड़ा लेकर रख लें। अब पीपल की 7 पत्तियां लेकर रख लें। अब अनार की कलम से काली स्याही की मदद से उस इंसान का नाम इन 7 पत्तों पर लिखें जिसको आपने बनाना है। लाल रंग के कपड़े पर अपनी अनामिका उंगली से दोनों का नाम लिखें। इन 7 पत्तों को अपने दोनों हाथों में लेकर आंख बंद कर लें। फिर जो मंत्र हम आपको बताएंगे उसको 7 बार इन पत्तों पर जाप कर लें। फिर इन पत्तों को लाल धागे की मदद से बांध लें। इन पत्तों को कपड़े में रखकर कपड़े को गांठ मार लें। अब इस कपड़े को किसी हरे भरे पेड़ की शाखा में बांधकर आ जाएं। इस पेड़ के नीचे एक घी का दीपक जला दें। बस इतना करते ही आपका काम आसान हो जाएगा। दोस्तों यह मंत्र आप आसानी से हमारी गुरु माँ कृष्ण मूर्ति जी से बात करके जान सकते हैं। स्क्रीन पर दिए नंबर पर आप उनसे बात कर सकते हैं और आसानी से यह मंत्र जान सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।